दुनिया का सबसे शार्प और नुकीला हथियार है पानी। जब पानी को 3540 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 0.05 mm पतले पाइप से गुजारा जाता है तो पानी 1,00,000 PSI का प्रेशर डालता है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये इतना प्रेशर है कि आपके अंगूठे पर 9 हाथी खड़े कर दिए जाएं। जब इतने प्रेशर से ये जिस भी चीज पर गिरता है उसे मक्खन की तरह काट देता है। फिर चाहे लोहा हो, कांच हो या दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड ही क्यों ना हो, इसे वाटर जेट कटिंग कहते हैं। इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए रेत या फिर कांच के बहुत छोटे छोटे टुकड़े या गार्नेट जैसी चीजें पानी में मिला दी जाती है और फिर ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल हीरे को भी काट देता है। यह है वीनस फ्लाई ट्रैप, दुनिया का सबसे अजूबा मांसाहारी प्लांट जो कि कीड़े, मेंढक, छिपकली, टिड्डा सबको खा जाती है। इनकी पत्तियों ऐसे दो हिस्सों में खुली रहती है, फिर जैसे ही कोई मासूम जानवर इनकी खूबसूरत गुलाबी पत्तियों पर बैठती है और इन लाल बालों को टच करती है तो पत्तियों अचानक से एकदम बंद हो जाती है और फिर से असली खेल शुरू होता है। जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करता है। ये डाइजेस्टिव एसिड इंसेक्ट कीड़े को गलाकर छोटे छोटे टुकड़े करके सोप बना देता है, जिसे पीकर अगले शिकार के लिए ये फिर से खुलकर रेडी हो जाता है। ये प्रोसेस बारी बारी से चलते रहता है। नंबर वन, इस लड़के ने तो यमराज को ही रिश्वत दे दिया, इसलिए तो अभी तक जिंदा है। इसका तो एक एक स्टंट जानलेवा है जो ये मुंबई के लोकल ट्रेन में कर रहा है। सबसे खतरनाक तो ये मुझे दीवार पर भागने वाला लगा और लड़कों का ये पागलपन देखकर मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया था। नंबर टू, इस लड़की के मुस्कुराहट को देख लो यार, लगता है गुलाब का फूल खिलखिला रहा है। नंबर तीन, जाको रखे साइया मारी सके ना कोई बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी हो। क्या आपने कभी सोचा है प्लास्टर कटर तो प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है लेकिन इंसान के हाथ को कभी भी नहीं काटता, ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से तो इंसान के हाथ के स्किन को भी काट कर दो हिस्से कर देना चाहिए। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बंकी कटर की तरह प्लास्टर कटर गोल गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है। इसीलिए इस कटर को गुब्बारे जैसे सेंसिटिव चीज पर चलाने से गुब्बारा नहीं फटता। यदि आप इसे इंसान की स्किन पर चलाते हो तो स्किन के साथ साथ वाइब्रेट करेगी और स्किन बिल्कुल भी नहीं कटेगी। वैसे तो ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट सा होता है लेकिन यदि आप इस मटेरियल को मोबाइल के स्क्रीन पर रखकर हथौड़े से मारेंगे तो भी मोबाइल का डिस्प्ले नहीं टूटेगी। दरअसल इस मटेरियल का नाम है D30, जिसका आविष्कार 2005 में हुआ था। नॉर्मली ये चिपचिपा और सॉफ्ट सा होता है लेकिन जब इस पर कोई भी चीज तेजी से मारी जाती है तो ये अटूट बन जाता है। यदि आप इसे अंडे जैसा नाजुक चीज पर लगाकर जमीन से गिराओगे तो वो भी नहीं टूटेगा। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं जिसे पहनकर इंसान फौलाद बन जाता है। इसका इस्तेमाल हेलमेट्स, ग्लव्स, मोबाइल कवर ETC बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वॉर्ड को अंदर कैसे लिया जाता है? अगर आपको लगता है कि ये कोई नकली तलवार का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत हैं। वो तलवार नकली नहीं होती, ये ट्रिक लोग हजारों साल से करते आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो तलवार अंदर लेने से पहले उसे अपनी मस्त थूक से भिगो लेते हैं ताकि मामला अर्थात तलवार आराम से अंदर जा सके। फिर ये अपना सर पीछा करके अपना पाइप बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और बिना धार की तलवार को रियल में गले के नीचे उतार देते हैं। जी हाँ, काफी प्रैक्टिस करने के बाद। भूल कर भी गूगल पर सर्च न करें ये पांच चीजें। नंबर वन, गर्भपात कैसे करें? इस चीज को कभी सर्च न करें। शादी से पहले सेक्स करना गैर कानूनी नहीं है। शादी के पहले प्रेग्नेंट होना भी गैर कानूनी नहीं है। अगर बिना प्लानिंग के प्रेग्नेंट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर सुरक्षित तरीके से एबॉर्शन करवाएं। डॉक्टर आपकी पहचान को सार्वजनिक नहीं कर सकते। नंबर दो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्न बनाना या देखना दोनों ही गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले पकड़े गए तो उन्हें सजा हो सकती है। नंबर तीन, बम बनाने का तरीका। संदिग्ध चीजों जैसे बम बनाने का तरीका आदि को सर्च न करें। इन गतिविधियों पर साइबर सेल की नजर होती है। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको जेल में भेज सकती है। इसके अतिरिक्त गूगल पर दवाइयों अपना निजी पहचान जैसे ईमेल ID सर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है।
नंबर वन, मानव अपनी बुद्धि से किस किस जीव को फंसा लेगा या गुलाम बना लेगा कहना मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, गेहूं को कूट में चिपका दिया गया है जिसके लालच में आकर चूहा पूरी तरह फंस जाता है। ओहो, लालच बुरी बला है। नंबर दो, ये है कंगारू जिसके पेट के निचले हिस्से में एक थैला होता है। जैसे ही इसके बच्चे को किसी चीज से डर लगता है ये तुरंत ही थैले के अंदर घुस जाती है और छुप छुप कर देखती है। नंबर तीन, मानव अपनी बुद्धि और टेक्नोलॉजी से दुनिया के किसी भी कोने में रास्ता बना सकता है, चाहे आकाश हो, पाताल हो, माउंट एवरेस्ट की चोटी हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन ही क्यों ना हो। बिपरजॉय चक्रवात भारत के गुजरात राज्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 15 जून को ये गुजरात से टकराएगा और इससे भयानक तबाही मच सकती है। अब गुजरात के अलावा भारत के और कौन कौन से राज्य में तबाही मचा सकता है इसके बारे में जानते हैं। दरअसल 1982 के बाद पहली बार इतना भयानक चक्रवात गुजरात की ओर बढ़ रही है। इसका नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है जिसका मतलब है तबाही। इसकी वजह से पाकिस्तान के कराची और भारत के गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में, गोवा और केरल के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जब बिपरजॉय सबसे पहले गुजरात के जखौ पोर्ट से टकराएगा तो 135 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी जिससे पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और कच्चा मकान की उखड़ने की संभावना है। इस चक्रवात की सोच अपने आप में भयावह है। अब देखना यह है कि कितनी तबाही मचाता है। एक उड़ते विमान में लगी आग के बावजूद भी अपनी बहादुरी से भारत की इस लेडी पायलट ने 191 यात्रियों की जान बचाई। आइए जानते हैं इस लेडी पायलट के बारे में। दरअसल उस बहादुर लेडी पायलट का नाम है मोनिका खन्ना, जो पटना से दिल्ली जा रही बोइंग 737 विमान को उड़ा रही थी। लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही एरोप्लेन के इंजन से पक्षी टकरा गई, जिससे इंजन में आग लग गया, जिसके बाद मोनिका ने बिना कोई देरी के आग लगा इंजन को बंद कर दिया और पटना हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित उतार दिया। मोनिका खन्ना के बहादुरी की वजह से प्लेन में बैठे 191 यात्रियों ने चैन की सांस लिया। अब भारत से दुबई, वो भी ट्रेन से मात्र 2 घंटे में, ये कैसे संभव है इस बात को जानते हैं। और मजे की बात यह है कि दुबई सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई सरकार करोड़ों रुपए खर्च क्यों कर रही है। दरअसल दुबई सरकार ये जो ट्रेन बना रही है वो ट्रेन फुजाराह से मुंबई तक 2000 किलोमीटर तक का सफर मात्र 2 घंटे में तय कर लेगी, क्योंकि ये ट्रेन 1000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलेगी। पर इस ट्रेन को बनाने का दुबई और भारत का खास मकसद भी है, और वो है पानी और तेल का आदान प्रदान यानी लेन देन। जब समुद्र के अंदर ट्रेन के ट्रैक को बिछाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तब उसके अंदर 2 और टनल बनाई जाएगी, जिसके एक टनल से दुबई भारत को तेल भेजेगा और दूसरे टनल से भारत दुबई को नर्मदा का साफ पानी। इसलिए दुबई के प्रिंस जय श्री राम बोल रहे हैं। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। मोटापा बहुत से रोगों को आमंत्रित करती है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, स्वास्थ्य संबंधी रोग, मानसिक रोग, कई प्रकार के कैंसर और हड्डी रोग। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। नंबर वन, मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। नंबर दो, अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का कारण है। नंबर तीन, कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन मोटापे का प्रमुख कारण है। नंबर चार, असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। नंबर पाँच, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से न होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है, जो मोटापे का कारण है। नंबर छह, कई लोगों को दिन में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, जो मोटापे का कारण बन सकती है। नंबर सात, बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करने से भी मोटापा का खतरा रहता है। पांच मोटिवेशनल बातें। नंबर वन, इस दुनिया में कोई भी मां का लाल नहीं जो परिश्रम करने वाले को रोक सके। नंबर दो, परिश्रम करने वाले का दिल और दिमाग हमेशा साफ रहता है, अर्थात दिल और दिमाग में ईर्ष्या रूपी बिच्छू नहीं दौड़ता है। नंबर तीन, जो परिश्रम से लजाता है वह सदैव परतंत्र रहता है। नंबर चार, हार्ड वर्क से मिली हुई सफलता लंबी चलती है। नंबर पाँच, परिश्रम जीवन में शांति लाती है। हमारा
तुम्हारा रुतबा ही ऐसा है साहब, जिनके साथ तुम बैठने की सोचते हो वो हमारे आने से खड़े हो जाते हैं। गुरूर पालने के लिए दूसरों से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं तू हंसता नहीं, उन्हें बताओ शेर हंसते हुए जसता नहीं। बेखौफ रहना हमारी आदत है और डर वो तो मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। मेरा एटीट्यूड तो खानदानी है, तू बता बेटा कौन से घाट का पानी है।